जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, सारे भाई क्या हाल है? ठीक हो जी? सारे मेरे खरीए ना लोणगे। आज जी बड़े अरसे दे तुंदे वदे आसे ते आज उस्ताद ने कोई टाइम लिया ते उस्ताद जीवन आया जमन साहब को आए हैं ते उन्हां दा बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं इन्हां दा शुक्रिया अदा करसा इन्हां साडे वास्ते वक्त कढ़िया। कल दे ये साडे नाल ही मसरूफ रहन, साथों बगैर एक मिनट इन्हां ने नहीं गुजारा किया। उस तो बाद इन्हों की मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्हें बड़े अच्छे तरीके मेहमान नवाजी की। आ जाओ अज उस्ताद को जी, मेरे 10 क्वेश्चन हैं तो उन्होंने सवाल जवाब करना है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, सब तो पहले तो तुहारा शुक्रिया, मेहरबानी कि तुसा टाइम कढ़ा है, सानू खिदमत का मौका दिता है जी, तो सारे को हाजिर हो तुहारे। असं जनाब तह दिल नाल दिल दी अथाह ग्राहियां नाल शुक्र गुजार हैं जनाब। तो ये सारा कोई एहसान नहीं जी, मेहमान अल्लाह की रहमत है। अस तो यह आखते हैं कि तुहाडा एहसान है सारे उत्ते जी। तो मजीद जनाब ताबेदार जो कुछ सारे इलमे छे अकले नाकस के मुताबिक असं इंज तो ना भाई कोई एडे वे एक्सपर्ट हैं या उस्ताद हैं जी, जो सारा तजर्बा है जनाब और नाल शेयर करने वास्ते, बल्कि पूरे दोस्तों नाल शेयर करने वास्ते ताबेदार जी, हुक्म करो। अच्छा पहला सवाल है जी कि बछेरे को खुराक जी देनी चाहिए, बछेरे दोस्त लै गए लवी उम्र 5 महीने 6 महीने लै गए या सरल तक उन्होंने खुराक के देनी चाहिए? सर घोड़े 5 to 6 महीने तक तो माँ का दूध पीना चाहिए। ठीक है। नाल दूध दे जेले महीने 40 दिन तो बाद घोड़ा थोड़ा थोड़ा माँ के नाल चरक थी वेंदा, पट्ठे खावन लग पैंदा है। जेले घोड़ा माँ तो अलहदा थी वे ना जी, उसनों उसे तुसा नाल दाणा देना शुरू करो, तो शुरू करो एक पाओ तो जी, एक पाओ जौ होवन जवान का डाला करा के उस नाल खवावना शुरू कर दौ जी। वह खाँदा आए नाल पट्ठे चढ़ता आए, डाला भी खाँदा आए नाल उस जो डाला है ना जी, डाला मसलन तुसा उसका बना दौ 20 किलो जी, जौ डला गिन दौ 20 किलो दे जनाब इन कर सो कि एक पैकेट सोना हाजम पाउडर किलो वाला जी, या कोई होर जो अच्छे हर्बल लासानी इस टाइप के दिन उस 20 किलो मिक्स कर दे सो, नाल एक पैकेट कैल्शियम पाउडर द मिक्स कर रहे, वो मिक्स करके वो नाल दे नाल चलता रहा सी, यानी एक पा तो शुरू करना है, पा एक पसाया उसनू पानी दे विच भिगो के जेले थोड़े तरह नरम थी वे घंटे 2 तो बाद बेशक बछेरे दे अगे रख दिता जी। उस तो बाद उसकी उम्र के नाल नाल उसकी खुराक बदलदे आ, मसलन बछेरा 8 महीना का थी गया, 9 महीना का थी गया उसका किलो कर गए जी, साल का थी गया 1.5 किलो कर गए, 2 साल का तो उसको कम अज कम 2 to 3 किलो दाना देना चाहिए जी। जिहड़ा दुआक तो अगा है उस घोड़े को समझो होर तुसा बधा सकते हो, जौ एक ऐसी चीज़ है जी कि जितना भी घोड़ा खा वे उसको कोई नुकसान नहीं, कोई ऐब नहीं करींदा, कोई बाद नहीं करींदा, और इंसान वास्ते और घोड़े वास्ते जौ तो अच्छी खुराक भी कोई नहीं, ताकत के लिहाज ना ही सेहत के लिहाज ना ही बेहतरीन गिजा है उसकी, बेहतरीन खुराक है। अगर ज्यादा तुसा शौक करो तो दुआक तो बाद दुआक तो ही सिर्फ जौ देने चाहिए, दुआक तो बाद तुसा उस दे विच नाल जौदरी मिक्स कर गिनो, छोला मिक्स कर गिनो, मक्की मिक्स कर गिनो, मकई थोड़ी तनी बाद कर दी है लेकिन उसका यह हाल है कि उस दे विच मिसाला मिक्स कर गिनो इसे रेशो नाल जी। एक वड्डा घोड़ा है उसनू तुसा देना चाहते हो जी, खुराक देना चाहते हो, मसलन उस तुसा डेली 3 किलो 4 किलो डाला दींदे पे हो, तो उसका इंज है कि एक मण तुसा डाला बनवाया ना जी, उस जौदरा जौ चना मकई तो चौकर जी, चौकर बहुत जरूरी ही ने देवना जी, क्यों जो चौकर का जोड़ा कम हों कब्ज़ नहीं थी वीदा घोड़े जी, ये 5 चीज़ा मिक्स कर गिनो मण बने दे पे तो 8-8 किलो थी सन जी, बराबर रेशो इन्हों मिक्स कर गिनो, उस 3 to 4 डब्बे सोना हाजम पाउडर या लासानी हर्बल आला 4 to 5 डब्बे कैल्शियम पाउडर दे पा लो, उसनू मिक्स करके रख छोड़ो, तो डेली जी तुम्हारी रूटीन है 3 किलो दें दौ 2 किलो दें दौ 4 किलो दें दौ, वो पट्ठे के मुताबिक जेड़े घोड़े लूसण इस्तेमाल करेंगे ना जी, लूसण दे बहुत ज़्यादा प्रोटीन है जी, उस घोड़े ने दाणा कम देना चाहिए जी। दूजी गुजारिश है कि जेड़े घोड़े थाना ते खलोते निकम्मे, मसलन अजकल मौसम सख्त है घोड़े खलोते खलोते घोड़े ने दाणा अविलता देना नहीं चाहिए, दो तई
थोड़ी मकदार च दौ। अच्छा एक गल करना, निकम्मा लफज है खलोते घोड़े जी रेस्ते खलोते ना, जो घोड़ा रेस्ते ना जी उस घोड़े का दाना बंद कर गिनो, ज्यादा से ज्यादा दौ तो किलो सुबह किलो अद्धा किलो अद्धा शामी उस ये अपनी मर्जी ते है जी। दो टाइम दो तुहारे दिल की गल है, एक टाइम दो तुहारे दिल की गल है। अगर दो टाइम करो तो मसलन त्रै किलो दाना तुसा डेली दींदे, बेहतर है कि किलो सुबह दो चा दो किलो दीगर शामी दो चा। इस तू इलावा जेड़ा है ना भाई जान, घोड़ा एक ऐसा जानवर है कि जेड़ा राती चरदा है जी, राती खांदा है, राती जेड़ा उसका निजाम है ना हजाम है वह दुगुना काम करींदा जी। दिन ते घोड़े ने कोशिश करो भुखा रखो, सुबह कोई उसको मसलन सारी रात घोड़े रज के पट्ठे दो जितने खा सकता है जी, सवेरे उसको कढ़ो उसको कैजा दो अद्धा घंटा कैजा दे के उस तो बाद जो खुले सोच का मूँह शूँ धो के साफ करके उसको डाला देना चाहते हो तो थोड़ा जहा डाला दे छोड़ो किलो खन, डाला नहीं देना चाहते थोड़े जे पट्ठे दे छोड़ो, उस तो बाद कम अज़ कम चार तो पाँच घंटे घोड़े भुखा रखो। इसका फायदा ये होंगे जनाब कि एक तो घोड़ों की आदत बन जाती, उन्होंने पता होंगे रात ही सन चारा मिलना है, वो अपनी खुराक पूरी कर गिनते जी। दिन के जेडे रज खावन वाले घोड़े एक तो वो घोड़े ऐप कटते हैं जी, रजा के जरा सा घोड़न दाना खवा के पट्ठे खवा के फुल तैयार करके डडे आर करके उत्ते चढ़ बनते हैं जी। इंसान तो लाओ ना हिसाब जी, इंसान रोटी खा के कम करे तो कितनी तकलीफ थी, जेड़ा घोड़ा भुखा हो सी ना जी वो घोड़ा कदा ऐब न कट सने, वो घोड़ा कदा बुजदिली न करे सी, वो घोड़ा कदा सौड़ न करे सी, वो घोड़ा तलखी न करे सी, दिलेर होवे सी। दूजी गल है कि मेले दे विच सुबह तो शाम तक बेशक लगातार महीना लग्या मैंने घोड़े घोड़े जान च घबर से नहीं जेड़े हाँ रूटीन बनी जेड़े डेली खावन वाले रज के देह तो खावन वाले घोड़े ना एक तो रूह रहा मेला जेड़े गुजार के आंदन वापस आंदन पहचान नहीं थी वे उ जड़ी डर तुसा मेले ते घोड़न वंजना घिन वंजना है चाहिदा है कि राती 12 बजे तुहारे घोड़न दी खुलियां खाली हो वंजे। घोड़ा एक डर दी या डेह दी भुख नाल मरदा नहीं, कुछ भी नहीं थींदा घोड़े। जेडे घोड़े आदि थी वेंदे उन्हां तो बिल्कुल हुण रोजे रखदे आ जी, जेले रोजां दे विच आदत बण वेंदी कदा डेह ते महसूस थी भाई भुखे आ जी, इन यार एक रूटीन बण वेंदी है आदत बण वेंदी है। ते घोड़े नूं कोशिश करो डेह भुखा रखण दी, कम अज़ कम चार घंटे पाँच घंटे तो घोड़े लाजमी वक्फा दो, तो घोड़े सेहतमंद भी रहते हैं तो घोड़े बुजदिली नहीं करेंगे ऐ भी नहीं कटते जी। जी सर बड़ी अच्छी तरह तो समझाया जी। पहला क्वेश्चन हम सारा, दूसरा क्वेश्चन है जी कि बछेरे को किस उम्र के लुगाम देनी चाहिए, तो किस उम्र मान के लादू करना चाहिए बारे सर अगर तुहारे को टाइम है ना जी, बछेरा महीने का डेढ़ महीने का दो महीने का उसनों तो सब तैयारी शुरू कर सकते हो। तैयारी का तरीका कि बछेरा वधा है माँ के नाल वधा है उसको वनो माँ तू 10 मिनट अलहदा करो उस प्यार दो कोशे उस मिठी खवा छोड़ो 10 मिनट 20 मिनट उस माँ तू अलहदा रखो ताकि तुआ नाल मानूस थी वे जी। जेले घोड़ा देखो भाई 3 महीना का 4 महीना का थी गया उस तिलहारे का आदि करो जी, रस्सी का आदि करो। एक भाई ने सवाल किया कि नवा जेले बछेरा तो उस रस्सी पहनते हो या उस चलावन दे नाल तरीका के है, तो उसका तरीका यह है कि घोड़े जेले तुसा रस्सी का आदि करी ना बछेरे नाल अपने टोरण का रस्सी उसके गाटे च पाओ, लंबी रस्सी होवे घोड़े दे बछेरे दे पिछू फेर के ते नाल एक हाथ इत्थे रखो अगली रस्सी दे विच, पिछला हाथ उस रस्सी दे विच रखो ते घोड़े नाल अपने आहिस्ता आहिस्ता चलाओ। जेले तुसा चले सो थोड़ी जिनी रस्सी पिछू लग सी वह अगर निकल सी नाल तुहारे टुरन का हौले हौले आदि थी वे सी। जेले नाल टुरन का आदि थी गया महीने तो बाद उसनों बेशक तरसेले का तिलहारे का आदि कर लो, तिलहारा पाओ 4-5-6 महीनों के जेले थी वे बेशक तुसा उस लगाम लेना शुरू कर लो। मिठी जी सादी जी कोई हल्की जी कड़ियाली दो चा कड़ियाली का उसका पहले आदि करण दे तरीका है कि 2-4 दिन 5 दिन उसको कड़ियाला चाड़ा वाघा नहीं देवनी है जी, वाघा नहीं पावनी, सिर सिर दुआली पा के उसको खुला छोड़ दो थान ते अपना विशा कोस नाल चरे ही खलोता मुँह भी हलावे खड़ा। जेले उसका आदि थी गया उस तो बाद उसको वाघ पाओ तो कैजा देना शुरू कर दो। कैजे का मकसद सिर्फ मुँह से तैयार करना भी नहीं, कैजा घोड़े की सेहत वास्ते ही बहुत जरूरी ने। जेड़ा घोड़ा कैजा मिलता है ना एक ना तजर्बा कर गिनो कि घोड़ा रज के जेले थान तू पिछा थी खलोवे ना उस घोड़े ने अद्धा घंटा कैजा चलो, वो घोड़ा मुँह चले सी उसका जरा हाजमा दमल है वो तेज़ थी सी। जेले अद्धे घंटे तो बाद तुसा कैजा खुले सो तो वो जनाब जितना अगे खाती खड़ा इतना बिया खा वे सी।
उसके जो मूँह का लुआब है जो रेशा है वह बाहर निकलता रहा सी घोड़े मूँह चलेंदे रहा सन उसका हाजमा ठीक रहा सी मैदा ठीक रहा सी घोड़ा सेहतमंद रहा सी। हाँ जी लादी दी है जी लादी मुख्तलिफ जे बलैती या मिक्स घोड़े वो जरा मजबूत जान के होंगे उन्होंने स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत होंगे वो डेढ़ साल की कटते हैं चाहे लादी कद काठ पूरा कर वजन कम अज़ कम दो साल का जो देसी घोड़े दो साल के घोड़े लाड़ी कड्डो को हल्के वजन वाला को बच्चा या हल्का फुल्का सवार उस उत्ते चढ़े लाड़ी कट के उस टोरे फेरे थोड़ा थोड़ा उस आदि करो आदि करके जल्द दुआक लगे दुआक तो बाद उस दौड़ावना शुरू करो वो भी थोड़ा थोड़ा हफ्ते च करा एक पट्टी बजा छोड़ी करा खाली पोइया कराया चा करा खाली ट्राट चा कराए क्यों जो उसका जी होंगे ना जी जोड़ उसकी हड्डी वो कद तक कर वेंदा लेकिन इतनी मचोर नहीं होंगी मजबूत नहीं होंगी ज्यादा दब जल्द अस घोड़ों से दीदे घोड़े अक्सर ऐब कढ़ लग या कमजोरी की वजह तो बुजदिली कर लग गए हम असं क्या करीदे जी ये ओवरऑल ज्यादा जरा दुआक जल्द लगता काठ कद काठ पूरा करीदे अस घोड़ा ग्राउंड पेंदे अस उस तो रिजल्ट गिनते हैं जो जवान घोड़े का पंज लगे हुए घोड़े का रिजल्ट उसनों असं स्टिक इस्तेमाल करेसू एड़ी इस्तेमाल करेसू ललकर देसू जल्द उसकी पावर तो ज्यादा वजन देसू ना या वो हाथ पैर खराब कर लग गए सी या घोड़ा बुजदिली कर लग गए सी ते पांच लगदा तो पहले घोड़े प्रेशर दबाओ ज़्यादा कम नहीं देना चाहिए पांच लगदा ते घोड़े प्यार नाल आराम नाल सुकून नाल उस बेहौसला नथी मंडियो हाथ पैर खराब नथी मंडियो थोड़ा थोड़ा काम दियो जेले घोड़ा तुरा पांच लग वे बेशक उस भीड़ के काम दियो जितना तुरा दिल करे इंशाल्लाह ना घोड़ा जिंदगी भर ऐब कढ़े सी ना घोड़ा बुजदिली करे सी। नैक्सट जी नैक्सट है जी घोड़े का मूँह बनाने। हाँ सर घोड़े का जरा मूँह है ना जी घोड़े ने जो कैजा दीने वो तो मैं गुजारिश की है कि उसकी सेहत वास्ते जरूरी है नाल घोड़ा मूँह का आदि थी लगाम का आदि थी उसका मूँह पकता है घोड़े का लगाम उस जड़ा लगाम है ना जी ये भी लोहे की चीज़ है लोहे का लगाम है ये एक जात मूँह रह रह के जेडे उसके टिशू होंगे ना जी वह मुर्दा थीवन लग पेंदे तो घोड़े मूँह के सख्त थीवन लग पेंदे ये नमक इसे वास्ते इस्तेमाल करीने कि जितनी देर लगाम चढ़ा रहा है घोड़ा उत्ते मूँह मरीदा रहा है टेक गिनता रहा है उसके जेडे वो टिशू है मूँह वाले डैमेज न थी वेन नमक मरीदे उसका दौरान खून भी चलता रहा है उस थोड़ी जी हीट ही दीदे तो वह घोड़े का मूँह साफ रहा है नरम रहा है जी। अच्छा जोड़ा घोड़े मूँह तो तैयार करना है ना सर वो थीवना तुरे हाथ चढ़ी नाल जी घोड़े ने अगर तुम बराबर करना चाहते हो घोड़े पहले जीरो तो फेरो जीरो तो फेर के फेरन का तरीका है कि जोड़ा घोड़ा चक्कर फिरदा पे ना मसलन ये फिरदा पे जी अंदर वाली बाग है वो घोड़े के कले च हो हाथ थोड़े इतना उच्चा हो जोड़ा बहर वाला तो हाथ है वो थोड़ा इतना उस तो झिका हो घोड़े का लगाम इतने चबाड़ी दे टेक लगे घोड़े उत्ते घोड़ा फिरे अंदर वाला कला नप के जी जल्द वो उल्टे साइड से फिरे सो तो वत ये कला नप गिन सो बहर वाला हाथ तले झिकर रख सो चबाड़ी दे टेक मिल सी घोड़े ने अठा करावना चाहिए अठे दे घोड़े मूँह तो बराबर थीं देन उन्हां दी मूविंग उन्हां दे बॉडी स्ट्रक्चर नरम थींदे सॉफ्ट थींदे घोड़े अक्सर फिरन दी ये बेहतरीन तरीका जिहड़ा घोड़ा अठ दे टुरदा है घोड़े फिरना सौखा जी ते उस तो बाद घोड़ा वहिंदा पिया ना जी घोड़े दे मूँह ते एक पुरानी बुजुर्गों की कहावत है कि घोड़ा चाई वद्दा होवे बंदे नूं बंदा ना घोड़े नूं चाई वद्दा होवे उसका मकसद क्या है कि घोड़ा मूँह ते इतनी टेक रखे जिहड़ी काबिले बर्दाश्त है हूँ घोड़ा जोर रखी वधे लड्डी वधे तुस छिके वधे तेरे बाजू मिसमें वधे वो मूँह कोई नहीं घोड़े का ना वो कोई सवारी है घोड़ा चढ़ता आदमी इस्तेमाल करते सुकून वास्ते एक वाग ते कितना वजन होना चाहिए जेड़ा घोड़े के मूँह का वजन है तकरीबन एक पा वजन होना चाहिए जी पा तो ज़्यादा अगर घोड़ा तुरे लगाम से टेक रखता है तो वो सख्त है जी अगर छुड़ींदा है तो वह भी नरम है ज्यादा जी घोड़े मूँह नप के चलना चाहिए चलावना चाहिए मूँह जी लगाम नप के मूँह खोली ना बदो हाँ जी अगर वहदा पे ना जी घोड़ा मूँह तो धर रखता है मूँह बंद करीदा है ये तुरा हथ वह पे जी इस तक जी वाग है ना सजे वाली जी क्यों जी हमेशा फितरी तौर ही नरम होंगे खब्बा कला तो सजा जरा नरमादी होंगे सख्त नरम होंगे लगाम भी दीदे तो खब्बे पासू सही सी न पेसी तो खब्बे पासू ये कला अक्सर घोड़े का नरम होंगे जो सजा कला है वो अक्सर सख्त होंगे तो ये जो तुम्हारे हाथ है ना जी ये थोड़ी तीन वाग ये इतने करो इतने जल्द करे सो ना घोड़ा इतने त्रेडा जल्द खखाड़ी तो जोर आ से इतने घोड़ा त्रेडा थी त्रेडा जल्द थी घोड़ा मूँह खुले
जेले घोड़ा मुँह खोले फौरन उस नाथ ढिला दियो चो घोड़ा थोड़ी देर तई मुँह चले सी लगाम छुड़े सी पोला थी सी लगाम ते वत चंद कदम टुरसी वत घोड़ा टेक रख सी भला जेले टेक रख सी तो जेड़ा कला सख्त है तुहाड़ा उसे नू बनते रहो ते छुड़ींदे रहो घोड़ा मुँह ते नरम थींदा वेसी आहिस्ता आहिस्ता मुँह चलावन लग वेसी टेक छोड़न लग वेसी कहले इस कले खबे ते बन गिदा कहले सज्जे ते बन गिदा घोड़े ने मुँह बंद नहीं करन देवना चाहिदा घोड़ा मुँह चलाइंदा रहे पोला वात भी बिल्कुल न खोली वे लेकिन बंद भी ना हो थोड़ा थोड़ा चलाइंदा रहे लगाम नाल खेदा रहे उत्थे घोड़ा सोफ कले तो कितनी लगाम थले होनी चाहिए ये भी जरा दस्या है कले तू ना जी इतनी होवे कि लगाम जेले घोड़ा वाच नू साह देवे ना जी घोड़ा मुँह झले कला झले कले तू लगाम उठी वजे आम रूटीन च लगाम कला दे कला लगाम दे उत्ते आके इन टच थी वे ना झला हुआ होवे ना ज्यादा छुट्टा हुआ होवे थोड़ा जहा अद्धा इंच ज्यादा है जी एक अद्धे जौ दे बराबर होवे मुँह छुट्टो है कि जेले तुसा घोड़े ने बस दे ढिल दे तो घोड़ा मुँह का साह कट गिने अपनी जेड़ा कला है वाच है उत्ता झल गिने उस थोड़ी दिन साह दे गिने क्यों जो एक जात है जी शे लग लग के ना मजदूरन देखो बेलचा कसी इस्तेमाल करने उन्होंने ये हथ पक वेंदे चिंडियां पाए वेंदे ये जेडे उन्होंने टिशू इन हथ दे जिल दे मुर्दा थी वेंदे सख्त थी वेंदे उत्ते उत्ते अंगार रखो चाहती पता नहीं लगता जी तो इस वास्ते घोड़े ने साह मिलना चाहिए घोड़ा मुँह दी कले दी सही कटता रहे अच्छा नैक्सट जो सवाल है वह भी इसे मुतलक ये कले के मुतलक कि घोड़े वाघ क्यों मार घोड़े की दो वजूहत त्रै हैं बल्कि वैसे तो कई वजूहत हैं लेकिन जीडिया आम है ना जी सब तो पहले घोड़े का तुआरे का जरा मूँह है ना जी वो बिल्कुल बराबर इंज होना चाहिए जिन्हें तराजू आदमी न पीता है ना तराजू के दो पलड़े बराबर होंगे घोड़ा मूँह तो बराबर टेक रखे कहें उत्ते ज्यादा कले के उत्ते भार ना रखे कोई छोड़े नहीं घोड़े का मूँह बराबर करो बराबर घोड़े का मूँह उस थी सी जेल घोड़े के कले के लगाम आसी जोड़ा घोड़ा मूँह से बराबर है जेडा उस उठाए सो वह घोड़ा इंशाला बराबर मूँह रख के सीधा लीके ते वैसे जी पहली वजह जेडे घोड़े अक्सर ये कला नरम होंगे ये कला सख्त होंगे सजे वाला जेल असा अच्छा बात एक बई गुजारिश जेल अस आम चढ़ते हैं ना जी अस इतने मंड के कले तू छुड़ा के इतने खादी इतने ला के तले लगाम रखते हैं जेले अस सिरे तू उठाते हैं घोड़े ने अस टांग गिंदे इतने जेल टेक लेंदे हैं जेड़ा कला नरम होंगे उस पास घोड़ा किरणा शुरू लादा वह तो घोड़े मुँह से बराबर करो कले बराबर हो पहली दूजी गुजारिश है कि जी अस ये धक्के सांग मरीदे हैं उस तू घोड़े घाबरदे हैं जी उसकी वजह तू घोड़े आन के कोशिश करी दे अख रखसन घोड़े किले दुते ये ले जैक्सन किला नेड़े है घोड़े पास अकरे सर उस तू बचाव वास्ते त्रीजी वजह घोड़े का अगर कोई हथ पैर डैमेज है घोड़े की इस साइड दे विच कोई तकलीफ है उसका हथ पैर रुकता है तो जेले असा सांग कटते हैं थोड़े दिन पैर से वजन दिने घोड़े की दब आती है घोड़ा दूजे साइड से हटता है जेड़ा पासा तकलीफ होंगे सो पासा बचेंदा दूजी साइड से वह ये चीज़ा यानी सांग वाली चमक ही ना हो हथ पैर ही उसके सलामत हैं तो वत घोड़े ने मुँह से वत वाला घोड़ा मुँह से बराबर नहीं घोड़े मुँह से बराबर करो तो इंशाल्लाह घोड़ा लाइन सीधी कर वे अच्छा उस बाद घोड़े सिरे ते तलक हो जी सर उस वो सारी अपनी ज्यादातर घोड़े सिरे ते चाल या ते मुंह धर दे लई ते वो सर सारी अपनी ज्यादती है जी कि असा घोड़े दुते टाइम ना लिंदे घोड़े नु असा सांग पकड़ी जी सांग पकड़ के घोड़ा असा सिरे ते खड़ा एक चक्कर लिता दू चक्कर लिते ते घोड़े ने असा उठ उठा लिता जी घोड़े दे जहन च चीज़ फिट हो वेंदी है भाई मैं जिले सांग नाल सिरे ते वजना तो मैं दौड़ना जी उतू घोड़े तलखी करी देन उबाहल करी देन जज्बात करी देन चाहिए है कि जी पट्टी ते ट्राई दे मेला चेंज नहीं हो सकता लेकिन जी ट्राई दी तुहाड़ी है ना घर का जिहड़ा होम ग्राउंड है उस कम अज़ कम भजामण तो पहले सांग चाह के घोड़े ने पंज चक्कर दियो आवे वे तोड़ सिरे ते ही वे घोड़ा सिरे तू सिरे ते एंड पॉइंट ते ही वे घोड़े दो हाथों से फेरो जी खब्बे ते फेरो सजे ते फेरो घोड़े मुँह ला के खलारो हौसला दियो घोड़े के जेहन च चीज़ फिट नथी वन दियो कि मैं सिरे ते वजना तो मैं दौड़ना जी जेले घोड़ा तुस दौड़ा वनो चार पाँच चक्कर दे के उस बाद दौड़ाओ दौड़ावन तो बाद चाहिए कि तो यह है कि घोड़े का पसीना उस पट्टी से खुश करो घोड़ा सिरे ते आंदा वेंदा रहे पट्टी ते आंदा वेंदा रहे अगर इतना टाइम नहीं तो वत भी कम अज़ कम पाँच चक्कर घोड़े नू उस पट्टी दुते बुला दियो
कि घोड़े के जहन ये चीज फिट ना थी वे कि जल मैं सिरे ते वजना तो मैं दौड़ना है। अगर इतना करे सो इंशाल्लाह घोड़ा तलखी ना करे छोड़ वैसे। बहुत अच्छे तरीके नाल जी समझा रहे हो, माशाल्लाह बड़ी समझ आ रही। अच्छा जी अगला सवाल है जी अठवां के घोड़े दी जिहड़ियां भागां हैं जी हां इन्हां किथे हाथ रखना चाहिए, किथे हाथ देना चाहिए, स्टार्टिंग ते डक ते सांग मारन वेले ते आम रूटीन है जी इस वेले घोड़ा टुरदा वधे देखो जी ये अज मैं मैं तुहानू गुजारिश करा जी, शायद बुजुर्गों तो तुसा सुना हो सी ये उस्तादां वास्ते ये जिहड़े बंदे नवें घोड़े तैयार करिंदे न कि बुजुर्ग आखदे न कि घोड़े दा खावण दा इक मूँह है ते सवारी दे त्रै मूँह वो किन्हीं आ रहे हैं खांदा ते इक मूँह नाल खा गिदा घोड़े सवारी दे त्रै मूँह के हैं। सब तो पहले जेले घोड़ा असा सबक लेंगे ना जी स्टार्ट करेंगे घोड़े तैयार करना सबक लेना घोड़े का सिर उतना झलना चाहिए जितना घोड़ा झल सकता है जितनी उसकी गर्दन है फुल झला हो बेशक जी घोड़े की ये बीनी है नास है वो तो नज़र आँदी वधी हो उत्ते घोड़े ने जेले पहले चैसो ना जी पहले चैसो तो घोड़ा रुक सी पहले चाह के उसका तरीका है कि हाथ पोला रखो ये इंज नपो बाग ये है ना जी आम रूटीन वाघ है ना जी वाघ दे विच इंज हाथ रखते हैं ना जी ये इंज करके इंज नहीं रखना इंज नपनी है वाघ ये जिहड़ी वाघ है ये इत्थे तुहाड़ी मुट्ठी च होवे इत्थे उत्ते करके जेले घोड़ा तला मूँह करा के थोड़ी तीन पोली टोक ठोकर मारी ज्यादा भी ना लगे पोली जी तो घोड़ा जेले चलता है ना घोड़े की आदत है घोड़ा सिर मरीदा कदम के नाल तुहाडा हाथ जिहड़ा सिर के नाल आंदा बहिंदा वधदा रहे हाँ चलता वधदा रहे आहिस्ता आहिस्ता घोड़े रोको घोड़े का सिर बनो जेले घोड़ा उत्थे सिर बन गया है ना जी तुहाडा उस तो अगर घोड़े का सबक शुरू करो भावें तुहानू 15 दिहाड़े लग वे भावें 20 दिहाड़े भावें महीना लग वे भावें चौथी दिहाड़ तुसा घोड़े का सिर रोक गिनो कि घोड़ा सिर रख के एक जाते बन के ते टुरे घोड़ा जी उत्थे के फायदा थी सी कि घोड़ा तुहाडा पिछू अग जेले अगू झली सी ना पिछू घोड़ा तुहाडा बासी भी सही अगां भी आ सी समझांदी पई जेले घोड़ा तुहाडा कदम तो जेड़ा अगला कदम है उस तो पा कदम एक आदि यानी पा का मैना हूँ चौथा ही जी जेड़ा आम रूटीन नहीं तुहाडा घोड़ा मसल रखता पिया ना फुट दुते पैर जी ढिले आते इतने जेले झलो ना तुहाडा घोड़ा यानी कदम तू 3 इंच अगा टपा के रखे पिछला कदम अगले कदम तू 3 इंच वधा के रखे यानी एक पा जितना वाधा वे चौथा इतना तो उस वे घोड़ा तुहाडा पिछू आ गया पूरा हो गया जी अगू घोड़ा तुहाडा गोडा कुंजे सी सीधा सीधा कुंजे सी चैसी लेकिन सीधा सीधा चैसी हाथ सीधा रख सी फिर ऐसी छेसी कोई ना उत्थू जेले इत्थे घोड़ा तैयार थी गया ना पिछू बाहे आया अगू घोड़ा गोडा पट्टन लग गया दूजा मूँह है घोड़े का कि घोड़े तुसा सट्टो तले ये जी खारी है घोड़े के सीने के आ वजे इतने टच थी वे जेले इतने टच थी सी ना जी घोड़े का लेवल कण का बराबर थी सी घोड़ा जेड़ा कदम लंबा करींदा वधन जो घोड़ा कदम भी इकट्ठा करे सी हथ कट्ठे करे सी नाल थोड़ा इतना झूल ले सो हले सो तुसी मजबूरी इत्थे इकट्ठा करके इन फिरे सी ए इन फिरे सी ये है तुहाडा दूजा मूँह जी इत्थे आन के घोड़ा कुंजाई तुहाडा घट कर वे सी जिहड़ी ऊंचाई थी उत्ते वधाई ना जी उस नाल गोड़े की ऊंचाई जरा घट कर वे सी परेशान हो गई तले फिराई होगी और क्लोजिंग होगी इकट्ठा हो गया जेले देखो घोड़ा तुहाडा गोड़ा इकट्ठे कर गया फिरदे ही पिया त्रीजा मूँह जिहड़ा तुहाडा फाइनल मूँह है वो तुहाडा है कि जिहड़ी घोड़े की गर्दन की लंबाई है वो जिहड़ी अपनी खाड़ी है सेंटर दे विच इत्थे थाई घोड़ा मणकी बने खाड़ी इत्थे गर्दन दे नाल आए सिर इत्थे टूटली इत्थे सिर रख के टुरे उत्थे तुहाडा गर्दन दे मुताबिक हथ रखना है जिहड़ा कि घोड़ा इत्थे सिर बन के नोक बन के टुरे आम जिहड़ी रूटीन है नाफ दे बराबर हथ रखदे हैं जी जिहड़ी इंसान दी ना जी सीधा बह के इत्थे नाफ दे बराबर जी इत्थे हथ हुंदा है दौड़न वाले घोड़े का जेले घोड़ा दौड़े वो तुहाडा हाथ सीने के बराबर होना चाहिए इत्थे जी आम फिरदा वधे घोड़ा बेशक तुसा मदो ते हाथ रखी रहो इत्थे रखी रहो तले वधे जेले घोड़े उठाओ उस वेले तुहाडा हाथ इत्थे होना चाहिए तुहाडे सीने के बराबर जी हाँ घोड़े तीन हाथ पूरे हो और आखिरी फाइनल शक्ल भी उ घोड़े की इत्थे घोड़ा आन के शक्ल ही खूबसूरत बनाता है
फोटोज दा खूबसूरत बनदा है ते नक्शे ही बनदे सवाल दा भी तकरीबन जवाब दे एडो मैं विच जी खत बनाण दा खत बिल्कुल जी ये तरीका है खत दा जी अच्छा ओदा जेड़ा इथे जसले यानी कि टूटनी बनने हन जेड़े सडेन के ओ तैयार है जी बिल्कुल मड़की बनने जी खाड़ी नाल लाल हां बिल्कुल जी उस दा फाइनल उथे घोड़े दी शक्ल खूबसूरत बनदी है ये चीजा यासर भाई बेटन जे दी हो छोटे भाई भी हो ये चीज़ा नहीं दसेंदे लोग और यह सारे नाकामी की वजह भी है कि असा पिछा 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 रहा वह कि जैसे हाथ कोई शे आई है ना कोई तजर्बे आई है चीज़ वो सब पार उ बह थी है कब्र गिन के लगा गया दसी उस अपनी औलाद में ये चीज़ा लुकावन वाली नहीं होंगे ये चीज़ा ओपन करने वाली ये चीज़ा दसावनिया चाहिए। नैक्सट आखिरी सवाल मैं एक वेख्या तो असा अगर घोड़े की डोरी मैंने ही खदाई है जी आप ही खदे रहे हो घोड़े के नाल जो बोलते रहे हो घोड़े के उत्ते बह के बोलना तो थले घोड़े डोरी के टोरना उन्होंने बोलना कितना जरूरी है बहुत ही जरूरी है जी अंतहाई जरूरी है बार बार कोई जानवर दुनिया का गिनोचा घोड़ा तो बहुत जहीन जानवर है बार बार जो लफ्स उसना रिपीट करे सुना मसलन गाय है भैंस है बकरी है ऊठ है बार बार जेड़ा रिपीट करेंगे उस समझ आवन लग पी कि मन क्या याद है असा हर जानवर दी वखरी डिच कर रखी हुई हाँ बिल्कुल घोड़े घोड़े दे नाल बोलना चाहिए घोड़े मसलन घोड़ा वेंदे पे ना तुसा आदे मठा या आहिस्ता घोड़े रोको हथ नाल भी रोको जुबान नाल भी बोलो कुछ अरसे बाद बार बार रिपीट करन नाल तुहानू हथ नाल रोकना ही नहीं पोसो चलते घोड़े मठा आखसो आहिस्ता आखसो घोड़ा आपे स्पीड स्लो कर वे उस तो बाद लय बहुत जरूरी है जी लय आदन स्पीड नू जी यानी कि घोड़ा वेंदा पे ना आम रूटीन च एक सेकेंड की लय जी कदम की बेहतरीन लय ये घोड़ा वेंदा पे तुसा एक पैर दुते लय रागे नो एक कदम पूरा थी वना घोड़े का जल्द सजा पैर रखना है ना घोड़े खब्बा रखने बला जल्द सजा चावन इं समझो तुरी लय आ गई एक पैर चहदे या रखते उस नप के नो लय रागे नो कि जल्द घोड़े सजा पैर रखना है ना जी तो मैं उस घोड़े बुलावना है जी ठीक है या खब्बा पैर आगे नो एक पैर की लय रखो कि उस पैर की वो लय तुरी बराबर हो बोल दियाओ नाल घोड़े दाद रीन दियाओ हाँ करो शाबाश दो जेड़ा कोई करो अल्फाज रिपीट करो उस दे नाल घोड़ा इंशाल्लाह अल्फाज समझन लग पैंदा कुछ वक्त तो बाद हाथ का इशारा ही नहीं करना पौंदा बोलन नाल घोड़ा तुरा समझन लग हूँ घोड़ा तुसा नपी रहे हो कि थाई तुहानू जरूरत नहीं पई कोई वाघ नाल इशारा दे खाली बुला रहे तो घोड़ा समझींदा रहा भाई मैं क्या करना है जी तो बोलना बहुत जरूरी है घोड़े नाल अच्छा एक होर दोस्त बड़ी मजे की गल वेखी उस्ताद रहा मैं इतने जे कमरे अकैडमी जितने भी है मैं सारी तलाशी भी लई है मैंने इतने ओगी नहीं नजर उस्ताद डोरी दे जी घोड़ा ट्रेंडर है एक बरीक जी स्ट्रेका इन्हों को पिछूँ वो सिर्फ झकावे वास्ते रखी है डरावे वास्ते नहीं झकावे वास्ते कि वह झाका रहे घोड़े इतने ओगी तो नजर ना नजर आई ना कोई वो ललक रहे हैं जेडे असंके सुनते रहने कई जागत ना ललक रहे वेखे इतने ना ओगी वेखीए इतने उस्ताद जी मार नहीं बस प्यार ही चलता प्यार जी मार नहीं प्यार और मेहनत थोड़ी तीन ज्यादा थी वेंदी है जेड़ा कम प्यार नाल थींदा ने वो मार नाल ले थींदा जी प्यार नाल कोई गल समझे सो ना जानवर है इंसान है उसके जहन च नक्श थी वैसी जिहड़ी सजा के तौर पर करे सो ना खौफ तू डर तू उस तो कर वे सी लेकिन अंदरों उस गुस्सा हो सी वट हो सी जेले वो थोड़ा इतना पावर चा सी या साइकट सी वो अपनी मर्जी करे सी प्यार नाल सुकून नाल ते घोड़े ने इन यार तैयार करो जिन्हें अपने बच्चे नाल जुड़ा तुहाड़ा रवैया ना घर के जमे हुए नाल घोड़े नाल वो रवैया तुहाड़ा होना चाहिए कि तुहानू नफरत भी ना करे तुहानू बर्दाश्त भी करे ते तुहाड़ा हया भी करे आखा भी मने तुहाड़ा अक्सर देते हो सो कि घोड़ों के सवार सामने थींदे ना जेले सामने आए तो थान ते वटी चढ़न लग पैंदे कन बन्नन लग वैसन वटी चढ़न लग वैसन चारा छोड़ दसन पसीना आवन लग वैसन सही वैसन तो घोड़े खुश हो वैसन घोड़े नाल प्यार करना चाहिए प्रेशर भी जरूरी है अदब एहतराम ही तुहाड़ा करे आखा भी मने लेकिन नफरत भी ना करे तुहानू बर्दाश्त भी करे ठीक है अच्छा एक आखिरी गल जी वो ये दसा चाहिए जी कि सवाल तो मेरे को तुसा मैं इलम दे समुंदर को बैठा तीन चार चार दलीलां दे के तुसा गल्लां समझाईयां दी बड़ा मजा भी आ रहा ते बड़ी गल समझ भी आ रही है ये जी जरा घोड़िया पिछाड़ी पैदे अगाड़ी पिछाड़ी बंदे इस ना कई वीडियो शीडियो लगदी बंदे इस बड़े खिलाफ हैं कि जी घोड़िया अगू दो रस्से नरड़े हुए दो पिछ नरड़े हुए अगू हाथ ही बदे हुए
ते जेडे अंग्रेज न उन्हां दे घोड़े खुले न वाड़ियां खुले न ते उन्हां दे विच ते इहदे विच एक ही फर्क है जी। सर पहली गुजारिश है कि असा एहसास कमतरी का शिकार थी गए हैं, असा टोटल मगरब की तकलीद पे करीने हैं। अंग्रेजा कितों सीखे घोड़े? अंग्रेजा मुसलमानों को घोड़े सीखे, घोड़े मुसलमाना को है। सब तो पहले मुसलमाना इस पालतू किया, मुसलमाना इस सवारी दे इस्तेमाल किया, उन्होंने तरबीयत शुरू की है। अंग्रेजा तो सानू देख के सीखा है। जेड़ा घोड़ा है ना बनना जी, एक तो यह है कि घोड़ा एक खतरनाक जहा जानवर है। अंग्रेजा के जेडे घोड़े वो धरती होर वो आबो हवा होर अनताई मिठे सुस्त ते यानी शरीफ जे घोड़े जिन्हें गाय के सारे को वलैतियाँ तो पहले जीडिया गाय हैं ना जी, ये उतराद दियाँ जी इस इलाके दी आदि जी, गां के नेड़े वजो आ ना वो त्रै भांडे बन के चौथे भांडे पार उधर ये जिन्हें वलैतियाँ आईया इन तले पाए किलो ए दिहाड़े चार दफा वैसे वो लत ना लै सी जी। घोड़े उन्होंने शरीफ है एक दूजा ये है कि असा जरा बनते हैं घोड़े कुछ तो यह है कि उस जिन्हें ये जिम आले इस्तेमाल करेंगे घोड़े के जिसम मजबूत करन वास्ते पिछाड़ी लेंदे हैं घोड़े नू थोड़ी तनी टैट करके कि घोड़ा जेले खांदा है ना अगा थान ते जी, घोड़ा अगा जोर ला के खांदा है, पिछाड़ी पिछू हुंदी तां घोड़ा अगा तणी के खांदा है। उस दे विच इक तां पहली जिहड़ा फायदा है घोड़े का ये ताणा वधदा ने, घोड़े का सीना बाहर निकलता है, घोड़े की जिहड़ी रान है वह मजबूत थींदी है, घोड़े का पुड़ा खूबसूरत बनता है, पुठे नू जी पुठे ये खूबसूरत बनता है, गर्दन घोड़े की निकलती है तो इस नाल उसकी जेड़ा जिसम है बाडी वो खूबसूरत बनती है। दूजी गुजारिश है कि घोड़े के जडे करीब वजो ना जी, घोड़ा खाँदा खड़ोता है अपनी बेख्याली खलोता है, खाँदा खलोता है, दाणा पे खाँदा है, निकम्मा खलोता है, जेल ही तुसा घोड़े के नेड़े वैसो घोड़ा कोशिश करे सी कि मेरे नज़दीक ना आवे, घोड़ा खुलाओ सी तो घोड़ा तो अदर पेछा फेर गिन सी जी, पेछा फिरे सी तो लत भी मार सकता है नुकसान भी कर सकता है। जिहड़ा बद्धा हुआ घोड़ा एक तो पाबंद हुंदा है तरतीब नाल खड़ोता हुंदा है, घोड़े दे हमेशा साइड तो शोल्डर दे बराबर वजना चाहिए घोड़े दे नज़दीक, अगू ही ना वजो पिछू ही ना वजो तो घोड़ा फिर नहीं सकता, तुहानू तकलीफ नुकसान नहीं पहुँचा सकता, सनद नाल खलोंदा है, लिद हिके जात करे सी पेशाब हिके जात करे सी, खुला घोड़ा पूरा जिहड़ा उसका थान है कह लो उत्थे करे सी, कह लो तो पूरा थान गंदा करे सी, वला उत्ते बासी जिसम ते दाग लग सन, तो ये एक सनद है जी। घोड़े बनना चाहिए इतना टाइट नहीं, जेले घोड़ा तुहाड़ा तैयार थी गया ना जे एक पंज लग गया पूरी उसकी बाडी शाडी हर शे पूरी हो गई, उस तो बाद घोड़े इतना बनो कि घोड़ा बराबर खलो के ना जी आराम नाल सुकून नाल खा सके, पिछाड़ी छिकी हुई ना हो, पिछाड़ी लावनी चाहिए है। जेड़ा आम वर्किंग वाला घोड़ा है काम वाला घोड़ा है जेड़े थान तू खुलींदे हैं उसे चढ़दे हैं उसकी वर्जिश ही हो जाती है उसका काम बिल्कुल जी। अच्छा जेड़ा है दू साइड तो घोड़ा बनना उस घोड़े का यह होंगे कि अक्सर घोड़े जेडे घाटे घोड़े मसले मेरी अकेडमी खड़े रहने एक साइड तो मैं घोड़ा बनना ना जी कह ले उस नाल लड़ सी कह ले उस नाल लड़ सी तो इतना होंगे कि घोड़ा अपनी खुरली तई पहुँच सके उस तो अगा ना मंजे अगले घोड़े न तंग ना करे उस न छेड़े जी।